OnePlus एक ऐसी ब्रांड है जो अलग अलग कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, जैसे कि मार्वल, स्टार वॉर्स, साइबरपंक, मैक्लेरन, और अभी हाल ही में OnePlus ने कोलैबोरेट किया है हैरी पॉटर के साथ और लॉन्च किया है ये वॉच। अब ये जो वॉच है ये दूसरी एडिशन है, इससे पहले जो एडिशन आया था वो था कोबाल्ट एडिशन, और मैं आपको बता दूं कि इस वॉच में बहुत कुछ चेंज हुए हैं, जैसे कि वॉच फेस है, इसका डिजाइन, इसका स्ट्रैप, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। अगर आपने अभी तक हमें कूपे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज वहां पे कर लिए, क्योंकि वहां पे सारे टेक रिलेटेड अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर इस वॉच के डिजाइन की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो केस है वो कॉपर कलर्ड है, और साथ साथ इसका जो स्ट्रैप है ये वीगन लेदर है जो कि रेड ब्राउन कलर का है, और देखने में ये काफी कूल लग रहा है। वहीं अगर इसके स्ट्रैप पे आप देखोगे तो हॉगवर्ट्स की ब्रांडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, और साथ ही साथ इसका जो बकल है यहाँ पे काफी अच्छे से लिखा हुआ है हैरी पॉटर एकदम उसके लोगो के स्टाइल में, जो कि देखने में मुझे काफी पसंद आ रहा है। बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लग रहा है। वहीं अगर डायल की बात करें तो यहाँ पे दो बटन जो आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो नीचे वाला बटन है उस पर हैरी पॉटर का जो बोल्ट का साइन है जो उसके सर पे देखने को मिलता था, यहाँ पे काफी अच्छे से प्लेस किया गया है। वहीं अगर ऊपर वाले बटन की बात करें तो यहाँ पे आपको OnePlus की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो कि देखने में काफी सही लग रही है, और कलर भी जो ये कॉपर ब्राउन है ये देखने में अच्छा है। वहीं अगर इसके स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि 10 दिन से ये वॉच मेरी प्राइमरी वॉच रही है और किसी भी तरह का इन्फेक्शन या एलर्जी मुझे नहीं हुआ है। सो ओवरऑल डिजाइन के मामले में ये वॉच दी बेस्ट है, लेकिन इसका जो लेदर का जो मैं बोलूँ क्वालिटी है ये और थोड़ी बेटर की जा सकती थी, थोड़ा और इसको मोटा या मैं बोलूँ चौड़ा किया जा सकता था जिससे कि और बेटर हो जाता ये। अब अगर डिस्प्ले की बात करें तो मैं आपको बता दूं इसमें जो सबसे मेजर चेंज है वो है वॉलपेपर्स का। तो इसमें जो आपको वॉलपेपर्स मिल रहे हैं वो हैरी पॉटर थीम मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हॉगवर्ट्स का मिल रहा है, स्नेक का मिल रहा है, लायन, बैजर, ईगल, इन सब के जो हाउसेस थे जो हैरी पॉटर में उन सब के आपको थीम वॉलपेपर मिल रहे हैं। और साथ ही साथ जो बेस्ट वॉलपेपर जो मुझे पसंद आया वो है कैसल का, क्योंकि दिन में तो ये नॉर्मल वाइट रहता है लेकिन जैसे ही शाम होता है इसमें लिट अप हो जाता है, ब्लू हो जाता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब अगर इसके डायल साइज की बात करें तो इसमें 1.39 इंच का एमोलेड स्क्रीन दी गई है जो कि कर्व ग्लास के साथ आती है, और वहीं मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। कई बार मेरा हाथ लगा है दीवार में या गेट में लेकिन किसी भी तरह का डैमेज वॉच को नहीं हुआ, इनफैक्ट एक भी स्क्रैच भी देखने को नहीं मिला मुझे। वहीं जो इसका केस है वो स्टेनलेस स्टील का है जो कि कॉपर कलर्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब अगर इसके साइज की बात करें तो ये वॉच 46 mm की है, जो कि मेरे लिए तो सही है, लेकिन अगर आपका रिस्ट स्लिम है तो आपको थोड़ा ये बड़ा लगेगा। वॉच फेसेस चेंज करने के लिए आपको बस स्क्रीन पे टैप करना है और प्रेस करके रखना है, उसके बाद यू आर गुड टू गो, बहुत इजीली आप वॉच फेसेस के चेंज कर सकते हो। सो ओवरऑल इस वॉच का डिस्प्ले मुझे बहुत पसंद आया, और बेस्ट पार्ट जो थी इसकी वो है इसका जो थीम्ड वॉलपेपर है हैरी पॉटर का। अगर आप हैरी पॉटर फैन हो तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत पसंद आने वाली है ये वॉच। मैं अगर डिस्प्ले की कलर की बात करूं तो इसका जो कलर टोन है वो वाइब्रेंट है, ओवर सैचुरेटेड आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, इनफैक्ट इसके जो ब्लैक्स है वो ब्लैक्स ही लगते हैं आपको, ओवर सैचुरेटेड वहां पे भी आपको देखने को नहीं मिलता है। अब अगर OnePlus हैरी पॉटर एडिशन वॉच के परफॉर्मेंस की बात करूं या फीचर्स की, तो मैं आपको बता दूं ये कस्टम OS पे चलती है जो कि OnePlus की खुद की है। ये वही OS है जो OnePlus बैंड में मिलता है, बस एडिशनल फीचर्स के साथ ये आ रहा है। एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर आप थर्ड पार्टी एप्स इसमें इंस्टॉल करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वेयर ओएस पे नहीं चलता है। इनफैक्ट वॉच फेसेस भी आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे थर्ड पार्टी। OnePlus के इस वॉच में इनबिल्ट म्यूजिक प्लेयर भी दिया गया है, जिससे कि अगर आप अपने फोन से जो सॉन्ग्स है वो इसमें ट्रांसफर कर देते हो वॉच में तो आपको फोन की जरूरत भी नहीं है जब आप गाना सुन रहे होगे। तो इसकी जो स्टोरेज है वो 2 GB की है जो कि सॉन्ग्स के लिए काफी है। इस वॉच में हार्ट रेट सेंसर भी दिया गया है जो कि क्लोज टू एक्यूरेट मैं बोल सकता हूँ। वहीं इसमें आप SpO2 भी मॉनिटर कर सकते हो जो कि आज के टाइम मस्ट हैव है। और बेस्ट पार्ट जो मुझे इस वॉच के लगी वो है इसका स्लीप टाइम, जब आप सोते हो तो ये टाइम रिकॉर्ड कर लेती है कि आप किस समय सो रहे हो, जब आप उठते हो तो भी ये टाइम आपको बता देती है कि आप इस समय सो के उठे हो, जो कि बहुत सही है। किसी भी वॉच में मुझे ये वाला जो फीचर है देखने को नहीं मिला है, तो ये मेरे लिए तो मस्ट हैव था। OnePlus वॉच में आप कॉल रिसीव कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और बात भी कर सकते हो। बस इसमें थोड़ा सा जो कमी है वो ये है कि अभी भी इसमें आपको ई सिम या मैं बोलूँ सिम लगाने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इस वॉच में बैरोमीटर, कंपास, NFC जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि मेरे तो किसी काम के नहीं है, लेकिन अगर OnePlus आगे अपडेट्स के थ्रू NFC पेमेंट इसमें ला देता है तो NFC का इस्तेमाल हो जाएगा और ये बहुत सही रहेगा।
इस वॉच में बहुत सारे फिटनेस एक्टिविटी को आप ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि आउटडोर रनिंग, इंडोर रनिंग, फैट बर्न, आउटडोर साइकिलिंग, इंडोर साइकिलिंग, आउटडोर वॉक, स्विमिंग, रोइंग मशीन, बैडमिंटन, माउंटेनरिंग, क्रॉस कंट्री, क्रिकेट, योगा, फ्री स्टाइल। लेकिन अगर आप जिम लवर हो, या मैं बोलूं कि अगर आप जिम जाते हो तो आपने कितने रेप्स किए हैं वो इस वॉच में आप पता नहीं कर पाओगे। सो ओवरऑल इस वॉच में पुरानी वन प्लस वॉच से ऐसे कुछ चेंजेस नहीं है, बस माइनर ट्वीक किए गए हैं। जैसे कि जब आप इसको चार्ज करते हो तो हैरी पॉटर का जो एक साइन होता है वो आपको इफेक्ट मिल जाता है, वो अच्छा लगता है। ऐसे परफॉर्मेंस दोनों का सेम है, कुछ भी यहाँ पे नहीं बदला है, बस इस वॉच में नए वॉच फेसेस आ गए हैं, साथ ही साथ इसमें जो बटन्स हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा कस्टमाइज कर दिए गए हैं, और वीगन लेदर रेड ब्राउन कलर का दे दिया गया है, और इसका जो केस है ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बाकी ऐसे परफॉर्मेंस में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर बैटरी लाइफ की बात करें तो ये वॉच आराम से 15 दिन तक आपका साथ निभा देती है अगर आप इसको डिफॉल्ट सेटिंग पे यूज कर रहे हो तो। लेकिन इसको मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया था, जैसे कि इसका ब्राइटनेस मैंने मैक्स पे रखा था और ऑटो ब्राइटनेस को ऑफ कर दिया था, साथ ही साथ स्क्रीन टाइम भी मैंने 8 सेकंड कर दिया था इसका, और साथ ही साथ हार्ट रेट ट्रैकिंग को भी स्मार्ट पे कर दिया था, ऑटो स्ट्रेस मॉनिटरिंग को भी मैंने इनेबल कर दिया था, और SPO2 ट्रैक भी मैंने ऑन करके रखा था। उसके बाद भी इस वॉच ने मेरा 7 दिन आराम से निकाल दिया था, वो भी एक सिंगल चार्ज पे। इस वॉच को आप OnePlus Health ऐप की मदद से कनेक्ट कर सकते हो, जो कि काफी इजी टू यूज है। सारे डाटा और स्टैट्स आपको होम स्क्रीन पर दिख जाते हैं। नीचे आपको 3 टैब देखने को मिलते हैं, जो कि है हेल्थ, फिटनेस और मैनेज का। हेल्थ में आपको सारे स्टैट्स मिल जाएंगे, वहीं फिटनेस में अगर आप जाते हो तो आप रनिंग अगर कर रहे हो तो थ्रू GPS आपको सब पता चल जाएगा। साथ साथ मैनेज में आप अपने सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब, जैसे कि वॉच फेसेस, डिवाइस की सेटिंग। अब सवाल आता है कि आपको OnePlus की ये वॉच खरीदनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप iPhone यूजर हो या iOS पे हो तो ये वॉच आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि iOS वालों के लिए है ही नहीं, ये कनेक्ट ही नहीं होती है iPhone से। वहीं अगर आप Android यूजर हो, Harry Potter फैन हो, तो फिर ज्यादा सोचिए मत, इसको आप ले लीजिए। थोड़ा प्राइसी है लेकिन सही है। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने कूपे हमें फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।